आपका नाम क्या? जन्नत अली। हिना खान। मॉडल हूर चोपड़ा। एनी बाजवा। मेरा नाम शहबाज मुगल है। तो पहले आप मुझे बताएंगे कि एक वर्ड है पूंडी, इसका मतलब क्या है? पूंडी एक किसी को छेड़ना। किसी को छेड़ना पूंडी कहलाता है। ये आज नई डेफिनेशन सर मैंने सीखी है जी, किसी को छेड़ना पूंडी कहलाता है। इसके अलावा तो और तो कुछ नहीं होता, सिर्फ यही है कि एक दूसरे को किडिंग करना, छेड़ना, दैट्स इट। वैसे एक बेड़ होती है, बेड़ जिसे पूंड कहते हैं, जो वो भी एक पूंडी होती है। ये एक वो एक पूंड होता है और ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। पूंडी की छोटी बहन होती है, तो पूंड की छोटी बहन, उसको पूंडी कहते हैं। आपने सिर्फ इशारों में बताना है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरा पकौड़े खाने को दिल कर रहा है, हमारा कैमरा मैन बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मुझे झूठ बोलने पर माफ़ करते। ओके, थैंक यू सो मच। जो लड़कों की छेड़खानी होती है, लड़कियों को देख के सीटियां बजाना, उनको छेड़ना, आते जाते आंख मारना, उनके बाइक के पीछे बाइक लगाना, ये सारी पूंडी है। इसे पूंडी कहते हैं? इसे फ्लर्ट नहीं कहते? इसे बिल्कुल इजी जुबान में पूंडी भी कहते हैं। फर्ज करें आप एक बस चला रही हैं, बस पहले स्टॉप पे रुकती है, वहाँ पे तीन बंदे ऊपर चढ़ते हैं, अगले स्टॉप पे चार उतर जाते हैं, पांच और चढ़ जाते हैं, उसे नेक्स्ट स्टॉप पर तीन उतरते हैं और दो चढ़ते हैं, और उसे अगले स्टॉप पर सब उतर जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ड्राइवर है बस का, उसकी आंखों का कलर क्या है? उसकी आईज का कलर वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो जवाब है सवाल के अंदर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था गौर से सुनिए कि मैं रिपीट नहीं करूँगा। ब्लैक। व्हाई? ज़्यादातर ब्लैक की कलर होता है। ज़्यादा कोई रीज़न तो होगा नहीं, ज़्यादातर तो नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए ना? बस ऐसे ही। एक्चुअली मैंने जब सवाल स्टार्ट किया था, मैंने बोला था फर्ज करें आप बस चला रही हैं। इशारों में बताना है, ठीक है, कि मैं लाहौर से फैसलाबाद आई हूँ और मैं फैसलाबाद की दीवानी हो गई हूँ, मुझे लाहौर भूल गया, अब मैं चाहती हूँ कि हमेशा यहीं रहूँ। जो दही है, दही ये मुज़क्कर है कि मोनस है? दही मुज़क्कर। मुज़क्कर है, कैसे? मतलब सेंटेंस में यूज़ करें इसको? सेंटेंस में अभी इतनी स्टडी नहीं करेंगे जो ऐसे करें। यानी कि दही खाना आता है तो उसके उसके पीछे नहीं आता, दही खाना भी नहीं आता? अब जिनके आप ब्रेक लस्सी पीती हैं, लस्सी अल्लाह उससे तो बेहोश हो जाता है इंसान। अच्छा ले जी, लस्सी से इंसान बेहोश हो जाता है ये हमारे नॉलेज में? नींद बहुत आती है। अच्छा, लस्सी से ज़्यादा नींद आती है कि पी के ज़्यादा नींद आती है? पी के ज़्यादा नींद आती है। क्या पी के? लस्सी। आपने इशारों में बताना है कि मैं एक सुपरस्टार बन चुकी हूँ, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे कैमरामैन बहुत पसंद आया है, मैं शादी करूँगी तो कैमरामैन से। आपने इशारे में बताना। वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम ले तो वो टूट जाती है? शीशा? नहीं, नाम लेते हुए टूट जाती है। कौन सी चीज़ है जिसका नाम ले तो वो टूट जाती है? दिल ही टूट जाता है आजकल तो। दिल का नाम? दिल का नाम ऐसे तो नहीं, मैं दिल का नाम ले रहा हूँ, दिल नहीं टूटा। नहीं टूटा। कौन सी चीज़ होगी जिसे देखते ही टूट जाती है? देखते नहीं, जिसका नाम ले तो वो टूट जाती है। नाम ले तो वो टूट जाती है, नाम ले, ये तो मुश्किल हो गया ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़ी कॉमन चीज़ है, रोजाना हम ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि आप एंकर अब ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करते हैं। नाम लेते हुए क्या चीज़ टूटेगी? चलिए आपको हिंट देता हूँ। हाँ बताएं। हाँ लेकिन देर आपको फिर भी करना। जरूर जरूर। ठीक है, ओके। कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज होस्ट कर रही हो और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए? हुआ है, बिल्कुल से ऐसे हुआ है। उस वक्त क्या है, मतलब आप क्या करती हैं जो टूट जाती है उसके बाद? उसके बाद फिर एकदम से फिर करना पड़ता है सारा कुछ, जो है हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद फिर दोबारा हम स्टार्ट कर देते हैं।
एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आपको हिंट दिया था, खामोशी। अच्छा, इतना आसान था, मुझे आता था। आपने बताना है कि मैं लाहौर से फैसलाबाद आई हूँ और मुझे फैसलाबाद बहुत पसंद आया, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ और यहीं पे शादी कर लूँ। अच्छा, कॉमन सेंस को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। कॉमन सेंस क्या है जी? मीन्स जो सभी की मुश्तरका सोच होती है। कॉमन सेंस वो होती है जो कॉमन नहीं होती। वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास है, अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपके पास नहीं रहेगी? मेरा मोबाइल। मैं लेके थोड़ी भाग जाऊंगा। आपने यही कहा ना। मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। इट्स अ नो सीक्रेट राज, क्या आप किसी का शेयर करते हैं तो आपके पास नहीं तो मेरे पास आ गया, वो राज की हैसियत खत्म हो गई, वो राज राज नहीं रहता ना। वो कौन सी चीज़ है जिसके टूटने की आवाज़ नहीं होती? दिल। दिल है ऑब्वियसली, उसकी आवाज़ नहीं आती, टूटता है। मैंने कहा इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और मुझे तो एक ही अभी याद आ रहा है, दिल। ओबियसली आपको याद आ रहा है कि किसी भले वक्त में गाना था कि शीशा हो या दिल हो। आप मेरे जो बिल्कुल पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप समझ लें कि मैं नैब हूँ और आप मरियम नवाज हैं। वो न्यूटन मरियम। आप भी मरियम नवाज हैं। आप मेरे सवालों का जवाब, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देख पाई हैं, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। अब आपके लिए डेर है, हम सबको एक काइंड ऑफ सेम ही डेर दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वही डेर दूंगा, लेकिन चूंकि आप इकट्ठे आए हैं फ्रेम के अंदर तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फ्रेम आपको जो है ना डेर इकट्ठा दे दें, ठीक है? नहीं, रोमांटिक ही होगा। अब आपने बात की तो रोमांटिक ही होगा। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने आपने इनको बताना है कि सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है? और आपने इनको बताना है कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन आपने मुंह से नहीं बोलना, आपने इशारों से बताना। ओके, जी हमारे साथ वक्त मौजूद है एक ड्रमिस्ट। ड्रमिस्ट जानते क्या होते हैं? जो ड्रम बजाते हैं, तेल वाला ड्रम बजा लेते हैं। नहीं सर, वो मेरा काम नहीं है, वो काम तेली का है। अच्छा, जो ये गड़वी बजाते हैं, गड़वी बजाने में और ड्रमिस्ट में क्या फ़र्क है? सर, रिदम की जो सेंस होती है ना, वो तो हर जगह पे एक ही होती है, लेकिन जो वॉइस होती है इंस्ट्रूमेंट की, ड्रम की और वॉइस है उसके, और जो गड़वी की बात करें वो और चीज़ है, वो तो जस्ट जो है वो एक ही क्लिक के साथ है। जो जो पार्लियामेंट के अंदर जो डेस्क बजाते हैं और आपके ड्रम बजाने में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क, वो सिर्फ एक हाथ से एक ही क्लैप में चलती है, तो ये तो प्रॉपर रिदम चलते हैं, इसमें बीट चलती हैं मुख्तलिफ सॉन्ग्स के साथ। देर आपका ये है कि आपने मुंह से नहीं बोलना, इशारों से बताना है कि आज मौसम बहुत अच्छा था, मैं बाहर निकला, मेरा पकोड़े खाने को दिल किया, मैं फट्टे पे बैठ गया, पकोड़े मैंने चटनी में डुबो के खाने लगा, चटनी जो थी ना वो नीचे मेरे गोटे पे गिर गई, मेरा गोटा गिला हो गया, ये आपने इशारों से बताना है।